कुछ दिनों पहले मैंने अपनी साइकिल पे वीडियो डाली थी वेयर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई साइकिल राइड, बट वो हो नहीं पाया कुछ रीजन से। उसका रीजन मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में दिया था, बट मैंने कल अपनी साइकिल सर्विसिंग के लिए दी थी और आज वो साइकिल एकदम रेडी है, रेडी टू गो फॉर अ राइड। मेरे घर के पास दो साइकिल शॉप्स है जहाँ से मैं साइकिल ठीक करा सकता था, एक तो डीलर है और एक कंपनी वाला है फायरफॉक्स वाला। तो मैंने सोचा यार डीलर के पास चलते हैं, वो अफोर्डेबल रेट्स में साइकिल ठीक कर देगा। तो मैं जब उसके पास गया, उसकी दुकान पर तो भीड़ लगी हुई है और उसके तो मुंह चढ़े हुए हैं, क्योंकि आजकल तो साइकिलिंग है ना वो बहुत ट्रेंड में है, हर बंदा साइकिलिंग कर ही रहा है और मेरे को गारंटी नहीं थी क्या पार्ट्स लगाएगा। तो मैंने सोचा यार फायरफॉक्स वाले से करा लेते हैं, 400-500 रुपये ज़्यादा ले लेगा पर जो चीज़ जो होगा वो ओरिजिनल लगाएगा, कंपनी के लगाएगा। तो कल जब मैं अपने साइकिल के पार्ट्स देख रहा था तो मैं उनसे पूछ रहा था कि कौन सी कंपनी के हैं, तो बार बार बोल रहे थे इम्पोर्टेड है। तो मेरे को समझ नहीं आया, जब 2-3 पार्ट्स देखने के बाद मुझे समझ आया यार ये तो मेड इन चाइना को ही इम्पोर्टेड बोल रहे हैं आजकल। तो यार आपको पता है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि मेड इन चाइना आइटम्स को भी इम्पोर्टेड आइटम्स बोल रहे हैं। गाइस साइकिल है पूरी तरह रेडी, जो इससे पहले साइकिल की फोटो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे और देख सकते हो कितनी ख़राब लग रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रिपेयर हुआ है। तो सबसे पहले रिपेयर हुआ है, ये एक नई मशीन लगी है, ये है हमारा गियर बॉक्स की तो मशीन है, इससे गियर चेंज होते हैं, ये पूरी टूट गई थी तो अब ये नई लगाई है, अब सारे गियर प्रॉपर लगेंगे। और जो ये पूरी वायरिंग है जो यहाँ से लेके प्रॉपर आगे तक जाती है, मतलब यहाँ से गियर चेंज होते हैं, ये पूरी चेंज हुई है क्योंकि वायरिंग प्रॉब्लम थी, वायरिंग में रस्टिंग हो गई थी, उससे गियर सारे लग नहीं रहे थे, गियर अटक गए थे। एक्चुअली गियर यहाँ पर 7th पे अटक गया था और यहाँ पर 3rd पे अटक गया था, तो बहुत हार्ड रोड चला रहे हैं हमने। सेकेंड चीज़ आपको बताया था जो मेरी हैंड ग्रिप में प्रॉब्लम आ रही थी, आपने देखा था पिछली वीडियो में कि हाथ में कितना ब्लैक सा हो रहा था, एक्चुअली रबर वो जो था मेल्ट हो गया था, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि दोनों जगह चेंज करा ली है। साथ में आप देख सकते हो मड गार्ड मैंने ऐड कर दिया है, कलर कॉम्बिनेशन के साथ है रेड एंड ब्लैक जो मेरी साइकिल का कलर है। गाइज एक हेलमेट भी लिया है मैंने क्योंकि अगर हम लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये हेलमेट की क्वालिटी कैसी है। गाइज ये हेलमेट लिया है और ये प्रॉपर बहुत अच्छा हेलमेट है, डी कैथलॉन का हेलमेट है, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन रहेगी हेलमेट के साथ। गाइज आई एम बैक होम और मजे की बात यह है कि कल सुबह मैं एक शॉर्ट राइड के लिए जा रहा हूँ और वो राइड मैं आप सबके लिए कैप्चर करूंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक माई MTB ऑन अ स्मॉल राइड। छोटी राइड अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट करना है कि यार सब कुछ सही चल रहा है, सारे गियर सही लग रहे हैं, और लॉन्ग राइड से पहले एक शॉर्ट राइड बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पहले सब कुछ चेक कर लूँ, शॉकर्स वगैरह एंड बहुत चीजें होती है। तो कल सुबह मिलते हैं 5 बजे या फिर 6 बजे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मॉर्निंग गाइज, इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग और अब जाके थोड़ा ब्राइट हुआ है, इससे पहले डार्क था। और मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत शांति है, मैं तेज़ नहीं बोल सकता, एनर्जी के साथ नहीं बोल सकता, तो अब परफेक्ट टाइम है निकलने का। वी आर ऑल सेट टू रेडी, हियर इज माय राइड और इसको निकालना है एंड वी आर रेडी टू गो। चलो भाई साइकिल निकाले अपने। मेन प्रॉब्लम पता क्या आती है, सीढ़ियों से निकालने की, क्योंकि जब सीढ़ियों से उतरती ना साइकिल बेकाबू हो जाती है। और मैं अपना फ़ोन पे राइड लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया है तो पूरी जो राइड है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। सो गाइस अब निकल गए हैं और मेरा दिन में निकलने का मतलब ये था कि हम डार्क में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी को नींद से जगाओगे तो वो गुस्सा तो होगा ही, तो यार वो बहुत रिस्की रहता है कि कुत्ते सुबह सुबह पीछे पड़ जाए। तो हम थोड़ा जब लाइट आ जाती है, जैसे अभी आ गई है, जैसे हम थोड़ा लेट है पर तभी निकलते हैं। अभी मैं एक पार्टनर के साथ जा रहा हूँ इस राइड पर, तो उस राइड के लिए वो अभी मुझे एक मिड पॉइंट नहीं मिलेगी तो मैं उससे मिलवाता हूँ। बट कितने फ़ोन कर रहा हूँ, सुबह 5:30 बजे उठ के फ़ोन कर रहा हूँ उसे और ये उठा नहीं रही है, यहाँ पर खड़े होके 5 मिनट क्या वेट कर ले उसमें मेरे को सुना रही है। गाइस वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, रोड अभी तो खाली है, अब मुझे ये नहीं पता कब तक खाली रहती है रोड, क्योंकि सुबह है, सुबह तो बेस्ट टाइम होता है साइकिलिंग का। तो हम थोड़ा लेट निकले हैं, जहाँ हमें जाना है मैं अभी बताऊँगा नहीं, रास्ते में ही बताऊँगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून, वॉच द वीडियो टिल द एंड। I was leaking into darkness, something to hold on.
गाइस अभी हमने एक वाटर ब्रेक लिया है और ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है 70% हम ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जो कि है द्वारका वाला, कालका जी वाला भी है एक, द्वारका वाला भी है। तो आज हम जाएंगे द्वारका वाले इस्कॉन टेम्पल। मैं पर्सनली कभी गया नहीं जबकि मेरे स्कूल से इतना पास है वो, मतलब 500 मीटर की डिस्टेंस पे होगा और मैं आज तक गया नहीं, मैं हमेशा मैंने बाहर से देखा है। तो मैंने सोचा कि यार सुबह राइड पे जाते हैं और इस्कॉन टेम्पल देखते हैं कैसा है। और इस लड़की को अपना कॉलेज भी देखना है, इस लड़की का कॉलेज भी इधर ही है। कौन सा कॉलेज है तेरा? हेलो, दीनदयाल। दीनदयाल में पढ़ती है ये। और कौन सा कोर्स तेरा? बीएमएस। जिसको मतलब पढ़ाकू लोग होते हैं ना, मतलब कितना भी पढ़ लो तभी तुम्हारा नंबर नहीं लगता, इसका आराम से लग गया वहाँ पर। सो गाइस जो पीछे रोड थी वो बहुत बेकार थी, इतने खड्डे थे तो चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बट आगे जो रोड है स्पेशली द्वारका की रोड, आपको पता होगा द्वारका की रोड्स काफ़ी बेटर है इससे। और जब इस्कॉन टेम्पल की रोड है वो तो एकदम खाली रहती है, वहाँ तो लोग वैसे ही जनरली साइकिलिंग करते हैं। और इस रोड पर हम पूरा भगा सकते हैं जितना भी हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम निकलेंगे फुल स्पीड में, मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन में, अपने मैंने यहाँ पर लगा भी रखा है, आपको देखा होगा आपने, ये छोटा सा सस्ता सा सेटअप है हमारा, तो ये लगाऊंगा, फिर देखते हैं इस रोड पे हम कितनी भगा सकते हैं। ये बेस्ट रोड द्वारका की, सबसे खुली होती है, मतलब भगाने का बहुत मजा आता है। यार ये रोड है सेक्टर 13 वाली, ठीक है ना, इसकी स्टोरी बताता हूँ। हमारे ना स्कूल में रूमर्स फैले थे कि ना रात को 12 बजे के बाद यहाँ भूत आती है, चुड़ैल आती है। आगे हमारा इस्कॉन टेम्पल लेफ्ट साइड पे तेरे। सो गाइस ये है इस्कॉन टेम्पल द्वारका सेक्टर 13 में जो है। आपने शायद कालका जी वाला तो सुना ही होगा, पर क्या आपने द्वारका वाला सुना है इस्कॉन टेम्पल? बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल वाइब आ रही है यहाँ पर मेरे को, और हमेशा ही पॉजिटिविटी आती है। जब भी मैं यहाँ से निकलता था स्कूल के लिए भी, तो यार सुबह सुबह निकलता था तो बहुत पॉजिटिविटी आती थी। गाइस दिस इज द टेम्पल। और मैंने अभी गार्ड भैया से पूछा था, वो कह रहे थे सुबह 4:30 बजे खुल जाता है। तो यार सुबह 4:30 बजे आने का क्या ही मज़ा होगा, बहुत बढ़िया है। और अभी यहाँ राइड करके ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर की राइड करी है, टोटल जो राउंड है वो 15-20 किलोमीटर का है। तो हमने बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह एक्सरसाइज करके, थोड़ी कैलोरीज बर्न करके। ये जो रोड है ये सच में बहुत पीसफुल रोड है, मेरे को बहुत मज़ा आता है यहाँ साइकिलिंग करके। यहाँ पर सुबह सुबह जॉगिंग करने में लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर जॉगिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि ये जनरली खाली रहती है रोड। और आगे जाकर यहाँ से मेरा आता है स्कूल, और ये क्या बन गया यार। सो गाइस हियर इट इज, दिस इज माय स्कूल, पुरानी यादें ताज़ा। ये एंट्रेंस, यहाँ से हमारी बस खड़ी होती थी यहाँ पर, और यहाँ से एंट्रेंस थी। मैं ये स्क्वैश भी लेके आया था अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए। तो यार आप सोच रहे होगे कि यार भव्य कितनी तैयारियां करते हैं छोटी मोटी राइड्स के लिए, तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना मुझे राइड करना पसंद है उतना ही मुझे राइड की तैयारी करना भी पसंद है। तो मैं ये फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, ये मैं अपनी हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। ये फिल्म मेकिंग इतनी पसंद है कि मैं एडिटिंग वगैरह सब करता रहता हूँ, और बहुत सारे मेरे को फ्रीलांसिंग वाले काम भी आते हैं, और काफ़ी ऐप्स मेरे को करती है, पर मैं जाता उधर नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो है कि यार वीडियोस बनाना, क्वालिटी बनाना। जो काफ़ी ऐप्स है मेरे को आजकल, जो आपको पता ही है टिकटॉक बैन होने के बाद कितनी ऐप आई है जो वीडियो कंटेंट बनवाती है अपने मतलब इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से, तो मेरे को भी आए थे बीच में काफ़ी कि यार हमारे लिए वीडियोस बना दो, ये हमारी कैटेगरीज है इन पे वीडियोस बना दो। तो यार वो मैं करता हूँ पर बहुत कम करता हूँ, क्योंकि यार मेरा मेन फोकस है ना, मेरे को करना है कि फिल्म मेकिंग करनी, एडिटिंग करनी है अपने हिसाब से। जो यार मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ पहले कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यार ये मेरा एक पैशन है, हॉबी है फॉलो, तो ये मत सोचना कि यार ये मैं किसी पैसे के लिए कर रहा हूँ या फिर मेरे को स्पॉन्सर मिल रहे हैं यूट्यूब से, मैं ये यार अपनी हॉबी फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बैड लक है हमारा, रेस्टोरेंट भी बंद है, कह रहे 9:30 बजे खुलेगा। तो यहीं पे एंडिंग कर देते ब्लॉग की, और घर जाके मैं आराम से पहले नहाऊंगा, फिर आराम से सो जाऊंगा कुछ खा के,
क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और साथ में तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं पहले बताना चाहता हूँ, इसका नाम लियोनिका है और इसका फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस था, मतलब फर्स्ट लॉन्ग राइड मारी है इसने, फर्स्ट है ना इतनी लंबी, फर्स्ट टाइम राइड मारी है इसने। और एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? मतलब ईजी रहा या फिर थोड़ा मुश्किल रहा? अच्छा मतलब इसको मज़ा आया और मारे जिसको मज़ा नहीं आएगा, जिसको साइकिलिंग या एक्सरसाइज करना पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है, वो ऐसे अगर टूर पे जाएगा एडवेंचर पे, तो ऑब्वियसली यार वो अगली बार फिर जाना चाहेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो लाइक कर दो यार वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अभी और राइड्स आएगी और अभी बैडमिंटन ब्लॉग भी आ रहा है, बहुत बढ़िया एक सरप्राइज है आप सबके लिए। तो सब्सक्राइब कर दोगे तो आप वो ब्लॉग कभी मिस नहीं करोगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके गाइस टाटा बाय बाय सायोनारा।